नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। सरयू मेहता हत्याकांड के गवाह अरविंद कुमार बोस के ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा या साजिश। बताते चलें कि बिहार के कुटुंबा थाना अंतर्गत सांडा गांव में सरयू मेहता हत्याकांड में गवाह अरविंद कुमार बोस को लगातार मारपीट करने एवं झूठे केस में फंसाने की दबाव अभियुक्तों द्वारा दिया जा रहा था। आइए क्या कहते हैं मानव अधिकार मिशन के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार बोस। आप लोग का क्या मैटर है? मैं अरविंद कुमार बोस, जिला अध्यक्ष मानवाधिकार मिशन औरंगाबाद बिहार, और मेरे साथ हैं अक्षय कुमार। हम लोगों के ऊपर एक छेड़छानी का गलत आरोप लगाया गया है, जो बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है, जिसका दूर दूर तक सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। एक्चुअली मैटर यह है कि 30 सितंबर 2019 को रात्रि में सरजू मेहता को गाँव के ही कुछ आरोपियों द्वारा उनको खाना पर बुला करके जहर देकर मर्डर कर दिया जाता है। इस मामले को लेकर ही है ऑन स्पॉट प्रशासन उदेश रजवार को जहर तोपते हुए पकड़ लेती है और उनके बयान पे इस घटना के मुख्य आरोपी अर्जुन मेहता को गिरफ्तार कर लेती है। और इसके बाद मतलब तीसरा आरोपी नरेश रजवार, जो अभी तक फरार चल रहे, प्रशासन जिसको अभी तक मतलब गिरफ्तार नहीं कर सकी है और वो भी फरार चल रहे हैं। उन्हीं की बड़ी लड़की जो शादीशुदा यहाँ पर रहती भी नहीं है, उनके द्वारा मतलब हम लोगों के ऊपर एक गलत आरोप लगाया है छेड़छानी करने का, जो बिल्कुल ही गलत है। और ये आरोप इसलिए लगाया गया है कि मतलब सरजू मेहता मर्डर कांड, सरजू मेहता हत्याकांड जो केस नंबर है 143/19, जिसका मैं गवाह हूँ और ये उनका लड़का है अक्षय कुमार, मृतक सरजू मेहता का लड़का अक्षय कुमार, और ये उस केस के आवेदक है। इस केस को वापस लेने के लिए आरोपियों के परिजन द्वारा हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है, जो बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं गाँव में कुटुंबा पुलिस सुपरविजन करने के लिए भी आई हुई थी, लेकिन गांव के लोगों ने खुले तौर पर बताया कि इस तरह से हमारे गांव में कोई घटना नहीं घटी, ये घटना फॉल्स है। और अरविंद बोस एक सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और सफलता से को मतलब धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बिल्कुल ही सरासर गलत है। इसके बाद हम लोगों ने एसपी साहब से मिलकर आवेदन लगाया है कि एसपी साहब को अपनी बात को रखे कि हम लोग सर बिल्कुल बेकसूर है, हम लोगों को ऊपर आरोप प्रत्यारोप गलत तरीके से लगाया जा रहा है। और डीएसपी साहब को भी, एसपी साहब और डीएसपी साहब दोनों से मिलकर बात किए हैं और डीएसपी साहब और एसपी साहब को मतलब आश्वासन मिला है कि इस घटना के फिर से तहकीकात की जाएगी और आप लोगों को न्याय मिलेगा, आप लोग निर्दोष हैं तो घबराइए नहीं। और बाकी हम लोगों बेसहारों, असहाय, लाचार और गरीब और शोषितों की लड़ाई लड़ते हैं। जो लोग गलत होते हैं वैसे लोगों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं और इसी सच्चाई को साथ देते हुए हम अक्षय कुमार, जिनके पिताजी की हत्या की गई है, इनका मैं केस में गवाह हूं। इसी केस को वापस लेने के लिए आरोपियों के परिजन द्वारा बहुत तरह की धमकी दी जा रही है और मारपीट करने की भी बात कही जाती है, उल्टा सीधा केस में उलझाने फंसाने की भी बात कही जा रही है, जो बिल्कुल शर्मनाक है। और जिसका इस परिस्थिति जो अभी बनी हुई है, जिसका केस में फंसाने का उलझाने का उस बात को मतलब आशंका थी और इस आवेदक अक्षय कुमार के द्वारा मतलब कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में सान्हा भी किया हुआ है, प्रोटेस्ट प्रोटेक्शन लगाया हुआ है कि मतलब हम लोगों के साथ इस तरह के कभी भी घटना घट सकते हैं, जिसका जिम्मेवार आरोपी के परिजन होंगे। और मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहता हूं, मैं प्रशासन से इतना ही मांग करता हूं, पुरजोर मांग करता हूं कि इसकी तहकीकात तक मतलब जांच हो और हम लोग निर्दोष है तो हम लोगों को मतलब ये, लेकिन अगर हम दोषी पाए जाते हैं जांच के दौरान तो हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार है, लेकिन मैं जानता हूं कि दोषी नहीं, पूरा गाँव जानता है, पूरा समाज जानता है कि केस को वापस लेने के लिए इस तरह के झूठा आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है, जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली बात है। एक तो घटना करके मतलब मर्डर करके नरेश राजवार फरार घूम रहा है, इसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप मतलब ये करके आरोप लगा रहे हैं, वो भी हम ही लोग के, जो हम लोग को उचित मतलब प्रशासन से न्याय मिलना चाहिए, तब हम लोग को प्रशासन के मतलब चंगुल में फंसाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत और असहनीय है। और हम वैसे लोगों को सतर्क कर देना चाहते हैं कि अगर हम लोगों को परेशान करने की गलत तरीके से परेशान करेंगे तो हम, अगर इस केस में वास्तविकता नहीं होगी तो हम वैसे लोगों के खिलाफ मानहानि की मुकदमा करेंगे और जबरदस्त मुकदमा करेंगे, ताकि वैसे लोगों को सही सबक सिखाया जा सके। प्रशासन से भी हम पुरजोर मांग करते हैं, एक बार पुनः मांग करते हैं कि जो इस मर्डर हत्याकांड के दोषी हैं, जो हम लोगों को ऊपर आरोप प्रत्यारोप गलत तरीके से लगाए, वैसे लोगों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से कार्रवाई किया जाए, ताकि मानवता शर्मसार न हो और मतलब लोगों को उचित ढंग से न्याय मिल सके। विशेष अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। तो बाकी अक्षय कुमार। मैं अक्षय कुमार, पिता स्वर्गीय सरजू मेहता, ग्राम साणा पोस्ट मठपा थाना कुटुंबा जिला औरंगाबाद के निवासी हूँ।
30 सितंबर 2019 को मेरे पिताजी को हत्या कर दिया गया साजिश के तहत। नरेश रजवार अपने घर पे बुलाए खाना खाने के बहाने, खाना खाने के बहाने बुलाकर मर्डर कर दिए। इस मर्डर के पीछे 3 आदमी हैं, नरेश रजवार, उदेश रजवार, अर्जुन मेहता। हम लोग केस वापस लेने के लिए इस मामला में हम लोग के केस वापस लेने के लिए हमारे गवाह अरविंद कुमार बोस को अर्जुन मेहता के लड़का खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मार देंगे, पीट देंगे, केस वापस लेने के लिए। मगर हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इसी केस को वापस लेने के लिए क्या हम लोग के ऊपर आरोप लगाया गया है रेप केस का, जो बिल्कुल गलत है। कुटुंबा पुलिस आनकर जांच भी की है। गांव के कुछ आदमी से पूछताछ करने के बाद गलत पाया गया है। इस मामले में हम लोग निर्दोष हैं। धन्यवाद।